अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कोविड की अपडेट के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में जो थर्ड वेव आई थी उसमें काफ़ी कमी आई है, और जो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव रेशो है वो 4% से भी नीचे आ चुका है। इस वक्त एक्टिव केसेस तकरीबन 47,000 के करीब रह गए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि ये हालात आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होंगे, और जिसकी वजह से रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको फ़र्दर अलाउ किया गया है, और जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी उसको फ़र्दर ईज़ कर दिया गया है, जो कि आज से अप्लीकेबल है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन के नंबर्स हमने देखे हैं जो फॉर द मंथ ऑफ मे वो सरप्राइजिंगली बेहतर आए हैं कम्पेयर टू द इन्फ्लेशन नंबर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, विच इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़। और इससे जो प्रेशर लग रहा था कि जो रियल इंटरेस्ट रेट में जो नेगेटिव प्रेशर है या नेगेटिव है उसमें थोड़ा सा स्टेट बैंक के ऊपर प्रेशर कम हुआ है कि उसको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया है उसमें भी जो स्टेटमेंट दिया है गवर्नर स्टेट बैंक ने, उसमें उन्होंने यही कहा है कि आगे एक्सपेक्टेशन यही है कि इन्फ्लेशन की कमी होगी, और अगले साल का इन्फ्लेशन जो है वो भी 8 से 9% तक रहेगा। लिहाजा इस वक्त जो ईजिंग का जो अकोमोडेटिव बिहेवियर है मॉनेटरी पॉलिसी का उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट की। पाकिस्तान या अब इस ग्राफ को आप देखेंगे, ऑल दो पिछले 5 महीने में थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे करंट अकाउंट में जो एक्सपेक्टेशन है पूरे साल की वो ये है कि मार्जिनली पॉजिटिव रहेगा। इससे ये सवाल आता है लोगों के जहन में कि शायद इसकी वजह यह है कि हमारी इम्पोर्ट्स बहुत कर्टेल हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, इम्पोर्ट में हमारा इजाफ़ा हुआ है, लेकिन जिन इम्पोर्ट में इजाफ़ा हुआ है वो हेल्दी इम्पोर्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, प्लांट एंड मशीनरी उनकी इम्पोर्ट्स है, उसमें इजाफ़ा हुआ है। ये ज़रूर है कि जो हमारी इम्पोर्ट का जो बिल है, जो कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों की इम्पोर्ट है, मोबाइल फ़ोन के वगैरह की इम्पोर्ट है, उनमें कुछ कमी हुई है, और इसके साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट को जो इम्प्रूव करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी रिमिटेंसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, हमारा जो सर्विसेज सेक्टर का डेफिसिट कम हुआ है, क्योंकि जो आमतौर पर जो पाकिस्तान से जो ट्रैवलिंग इंटरनेशनल एयरलाइंस के थ्रू होती है उसके ऊपर पाकिस्तान का जो डॉलर टर्म्स में कॉस्ट आता है तो वो कम हुआ है। अब हम क्विकली जाएंगे इकॉनमी की। तो हमने थोड़ी सी बात कर ली, और जैसे हमने बात की कि इकॉनमी में एक पॉजिटिव वाइब नज़र आ रहे हैं, और अब बहुत जल्द हम फाइनेंस बिल या बजट की तरफ जाने वाले हैं, जो कि 11 तारीख को जो अगले साल का बजट अनाउंस किया जाएगा। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब ने कहा है कि उनका फोकस ग्रोथ पे होगा, और IMF के साथ भी उसके ऊपर उनकी बातचीत हो रही है कि जो टफ़ कंडीशन है उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को, कैपिटल मार्केट को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगले फाइनेंस बिल में, और ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो ग्रोथ को सस्टेन कर सकें, और अगले साल के लिए जो GDP ग्रोथ का टारगेट है वो 4.8% से 5% तक एस्टिमेट किया जा रहा है। वेरी क्विकली इफ़ यू मूव टू द स्टॉक मार्केट, तो अगर आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है वो अब इस वक्त तकरीबन 48,200 के लेवल पे आ चुका है KSE 100 इंडेक्स। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे क्यों मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से, और ये कई इन्वेस्टर हमसे सवाल कर रहे हैं कि जब मार्केट जो है वो फरवरी के महीने में 47,000 के करीब गई थी, 47,000 से थोड़ा ऊपर गई थी, और उसके बाद मार्च अप्रैल मई में मार्केट उससे नीचे रही है, मई में 10% का रन अप आया था मार्केट में, लेकिन अब क्या ये, तो सवाल लोग ये पूछते हैं कि क्या ये लेवल आ गया है कि उनको क्या स्टॉक मार्केट से अब एग्ज़िट कर लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगा कि हमारी जो अर्ली मार्च में हमारी डिस्कशन हुई थी जिसके ऊपर हमने कहा था कि भाई जो इंडेक्स का लेवल है 47,200-300 का लेवल जो फरवरी में अटेन किया है, अब इसके बाद मार्केट कुछ अर्से के लिए गालिबा कंसोलिडेशन मोड में चली जाएगी, और वो ऐसा ही हुआ। और हम ये देखेंगे अगर इंडेक्स का ग्राफ अगर हम देखें KMI 30 के मंथली रिटर्न का, तो फरवरी के बाद जो है जो 2.8% का अप था, इसके बाद मार्च और अप्रैल में मार्केट थोड़ी नीचे गई और कंसोलिडेट हुई, लेकिन मई के महीने में अच्छा रन अप आया 10% का। तो सवाल ये आता है कि इज़ इट अ पीक जहाँ पे इन्वेस्टर को एग्जिट करना चाहिए। तो उसके ऊपर हम बात करने के लिए ज़रा इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखते हैं, और जो फॉरवर्ड PE रेशो है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्राइस एंड द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इस वक्त जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं
पाकिस्तान को वो अभी भी 6.7% पे है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और आपके सामने नज़र आ रहा है कि डिफरेंट मार्केट्स हैं, जिसमें कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हैं, कुछ डेवलप मार्केट्स भी हैं, वहाँ उनके पीई रेशो बहुत हाई है। इंडिया जो कि ग्रोथ मार्केट है, वहाँ पीई रेशो पाकिस्तान के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड के हवाले से, तो डिविडेंड यील्ड के हवाले से पाकिस्तान की डिविडेंड यील्ड जो है अमंग द हाईएस्ट है, 5% से ज़्यादा है। और जो इंडिया की जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 1.3% है, और आप बाकी कंट्रीज़ की भी डिविडेंड यील्ड इसमें देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट में हमें अभी भी वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट, क्योंकि मार्केट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इकॉनमी। और जो इकॉनमी हमने पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं, इस साल का भी जो GDP ग्रोथ जो एस्टिमेट आ रहा है वो क्लोज़ टू 4% आ रहा है, और अगले साल के जो टारगेट है वो क्लोज़ टू 5% है, और फाइनेंस मिनिस्टर का विजन है कि इसको इवेंचुअली 6-7% में हमें ले जाना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, रोबस्टनेस ऑफ बिजनेस को देखते हुए, हम समझते हैं कि मार्केट में आगे फर्दर अपसाइड और पोटेंशियल है, और पाकिस्तान की मार्केट की जो PE मल्टीपल है वो बहुत अट्रैक्टिव है। उसको देखते हुए हम सजेस्ट करेंगे कि जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको ज़रूर इसमें अपना एक्सपोजर रखना चाहिए हमारे इक्विटी फंड्स में, और जिन लोग अभी तक मनी मार्केट फंड में या लो रिस्क प्रोडक्ट्स में हमारे इनकम फंड्स में हैं, उनको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि कुछ पैसे को ज़रूर इसको इक्विटी फंड्स की तरफ, मीज़ान इस्लामिक फ़ंड है या अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड है, या फिर हमारा पेंशन फ़ंड है मीज़ान तहफ़ुज़ पेंशन फ़ंड, उसमें उसको मूव करें, ताकि वो जो आगे जो इकॉनमी की जो अपसाइड नज़र आ रही है उससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे आखिर में मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कब हम जून के महीने में हैं, जो टैक्स ईयर है वो जून में हमारा क्लोज़ होता है, और ये आखिरी महीना है जिस पर आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आप 20% ऑफ योर इनकम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप टू 20% इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, और 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम इन पेंशन स्कीम, जो कि मीज़ान तहफ़ुज़ पेंशन फ़ंड है हमारे केस में। इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और अपने टैक्स को कम करें। इंशाल्लाह आपसे वक्तन फवक्तन आइंदा भी बात होती रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ उमूमी मालूमात के लिए है। टैक्स रेट की सहूलत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 62 और 63 के मुताबिक ली जा सकती है। इनफरादी नौयत के टैक्स को मद्देनजर रखते हुए हर सरमायाकार को मशवरा दिया जाता है कि वो फंड में सरमायाकारी के नतायज जानने के लिए टैक्स एडवाइजर से मशवरा कर लें। इक्विटी फंड में सरमायाकारी के रिस्क के पेश नजर सरमायाकार को मशवरा दिया जाता है कि अपनी सरमायाकारी अपने रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक करें। म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी मार्केट के हालात पर मुनसर है। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज का बगौर मुताला करें।